and sales tax. So what basically we have to do in this chapter is we have to do all the journal entries. We have to do all the journal entries related to returns, discounts and sales tax. We have to do the journal entries regarding these three: returns, discounts and sales tax. So फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आएगी, बट आई विल ट्राई कि लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें सब कुछ समझ आए. सो बेसिकली हाउ डू वी डू दीज काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज तुम्हें पता है फॉर्मेट मैंने बताया था, डेबिट समथिंग अकाउंट, यहाँ पे अमाउंट आता है, एंड क्रेडिट समथिंग अकाउंट. आई थिंक बाय द टाइम अभी यू आर इन फिफ्थ चैप्टर एंड तुमने फोर्थ चैप्टर तक कर लिए हैं, तो जर्नल एंट्रीज और काफ़ी सारे रूल्स लॉजिक्स वगैरह इसके काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे. तो इन दिस चैप्टर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमें करना है, दैट इज एंट्रीज फॉर रिटर्न. अब रिटर्न हमारा क्या होता है? बाय रिटर्न इन दिस चैप्टर मीन्स सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. इन दिस चैप्टर दे मीन हमें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या करनी है. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले मैं करता हूँ जो हमारी एक्चुअल एंट्री होती थी. तो सबसे पहले होता है हमारा एक कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल, देन आता है हमारा कैश परचेज, एंड उसके बाद हमारा आता है क्रेडिट परचेज. आई थिंक तुम्हें इन सब की सारी एंट्रीज पता होंगी. अगर याद हैं तो साथ साथ तुम करो, माइंड में सोचो और देखो मैंने सही करी है कि नहीं. एंड अगर तुम्हें याद नहीं है तो आई वुड से यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर नंबर फोर फर्स्ट, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स बेसिक एंट्रीज जो हमने प्रीवियस चैप्टर पे करी थी. तो जो कैश सेल की हमारी एंट्री होती है, दैट इज डेबिट कैश, क्योंकि कैश आता है क्रेडिट सेल्स, और ये होती है हमारी जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल. और अगर क्रेडिट सेल हो तो मैंने कहा था सेल्स तो वहीं रहेगा, कैश हमारे पास नहीं आया तो कैश की जगह हम लिखेंगे रिसीवेबल्स अकाउंट. तो रिसीवेबल्स अकाउंट ये हमारी होगी, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ अकाउंट को, ये हमारी होगी कैश सेल की एंट्री. इसके बाद कैश परचेज, कैश जाता है, सो डेबिट परचेज क्रेडिट कैश. क्रेडिट परचेज में अब परचेज तो हमने करा ही है, सो डेबिट परचेज क्रेडिट. हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कैश नहीं दिया है, तो वी विल राइट पेबल्स. ठीक है, तो ये थी हमारी कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की एंट्री. इसके बाद हमारी इन सभी की रिटर्न्स की एंट्री क्या होगी? अब ये जो मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, दैट मीन्स अगर कैश सेल है तो दिस इज कैश सेल रिटर्न. यहाँ जो एंट्री होगी दैट इज फॉर कैश सेल रिटर्न. क्रेडिट सेल के आगे जो लिखूंगा दैट इज फॉर क्रेडिट सेल हमने करी थी, वो गुड्स रिटर्न हमें हुए. कैश परचेज हमने गुड्स परचेज किए थे, अब वो गुड्स हमने रिटर्न करे हैं. क्रेडिट परचेज हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे और वो रिटर्न कर रहे हैं. इसका लॉजिक क्या होता है? जैसे कैश सेल, तुमने इस पर्सन को गुड्स सेल किए, आफ्टर सम टाइम मे बी एक दिन दो दिन बाद इसको लगा कि ये गुड्स ठीक नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसने वो गुड्स तुम्हें रिटर्न कर दिए. अब जब वो पर्सन तुम्हें गुड्स रिटर्न करेगा, तुम्हें उस चीज़ की अपनी बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि गुड्स वापस आए हैं, है ना. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव टू डू अ जर्नल एंट्री, तो उसी की जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा कैश सेल. सीधा सीधा लॉजिक याद रखना, जो हमारी रिटर्न की एंट्री होती है वो ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स होती है. ये एक शॉर्टकट होता है कि जो भी हमारी ओरिजिनल एंट्री हुई होगी उसका हम रिटर्न कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. तो कैश सेल हमने करी थी और वो रिटर्न हो गया है, तो इसका एंट्री हो जाएगी डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट कैश. मतलब
लॉजिकली क्या हुआ होगा, वो तुम्हें गुड्स वापस दे गया होगा और तुमने उसको पैसे रिटर्न कर दिए होंगे। दैट मीन्स डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट कैश। ओरिजिनल एंट्री का बिल्कुल मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बस सेल्स की जगह मैंने टर्म सेल्स रिटर्न यूज़ कर ली। सेम वे अगर क्रेडिट सेल्स थी तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल टू सेल्स, सॉरी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। मैं एक्चुअली जो CBSE इंडिया का है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल गया, आई एम रियली सॉरी, जर्नल एंट्री का लॉजिक तो सेम ही होता है। सो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, तो अब यहां पे डेबिट मेरा हो जाएगा सेल्स रिटर्न और क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ये होती है कैश सेल और क्रेडिट सेल की रिटर्न की एंट्री। सेम लॉजिक हमारा परचेज में लगेगा, कोई ज्यादा हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, एक लॉजिक याद रखना है कि अगर ओरिजिनल एंट्री हमें पता है तो रिटर्न के केस में हम एंट्री को उल्टा कर देंगे। अब जब हमने कैश परचेज किया था तो ओरिजिनल एंट्री वॉज डेबिट परचेज क्रेडिट कैश, तो उल्टा हो जाएगा, डेबिट हम कर देंगे कैश, क्रेडिट हम कर देंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। और क्रेडिट परचेज अगर हमने करा था इसको भी उल्टा लिख देंगे, सो डेबिट हो जाएगा पेबल्स और क्रेडिट परचेज रिटर्न, ठीक है गाइस। सो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है फॉर कैश सेल क्रेडिट सेल, कैश परचेज क्रेडिट परचेज, एंड कैश सेल रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न, कैश परचेज रिटर्न और क्रेडिट परचेज रिटर्न। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट में दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो सारी एंट्रीज को, एंड देन उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है गाइस, सो ये हमारी होती है रिटर्न्स की एंट्रीज। इस टॉपिक में जो हमारा है रिटर्न सेल्स परचेज रिकॉर्ड सेल्स एंड परचेज रिटर्न, ये इस टॉपिक में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। सो तुम चाहो तो ये सारी जर्नल एंट्रीज अपने होमवर्क में कर सकते हो। एक मैं एंट्री और बता देता हूँ जो आई थिंक इनमें एक्सप्लेन कहीं नहीं करी हुई बट एंट्रीज काफ़ी बार हैं, तो वो एंट्री होती है व्हेन ओनर स्टार्ट्स, एक सेकेंड मैं दोबारा लिखता हूं, व्हेन ओनर स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश, मतलब उसने अपने पर्सनल कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होगा, अगर ओनर ने अपना पर्सनल कैश बिजनेस में लगाया है दैट मींस बिजनेस में हमारे कैश आया है, दिस इज बिजनेस, दिस इज ओनर। सो ओनर ने अगर अपनी पॉकेट से बिजनेस में पैसे लगाए हैं, लेट्स से $1,000, दैट मींस तो बिजनेस में हमारे ये पैसे आए हैं, तो पैसे आए हैं दैट मींस डेबिट हो जाएगा मेरा कैश, है ना। क्रेडिट मैं लिखूंगा कैपिटल, Why I will write capital? Because Any money invested by owner is written under capital account. अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो हम हमेशा उसको कैपिटल टर्म यूज करते हैं, और अगर बाहर से हमने पैसे लिए हैं तो उसको लोन यूज करते हैं, ठीक है। सो डेबिट कैश क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, क्रेडिट मैं ओनर का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से ये इलस्ट्रेशन करते हैं, इसे अगर तुम्हारे को थोड़े डाउट्स वगैरह हैं वो डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो अब फर्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, एल्फी ट्रांसफर्स 10,000
ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट. एल्फी ने बिजनेस के बैंक में 10,000 रुपीज डाले. दैट मीन्स ओनर इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस. सो डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, $10,000. ठीक है, ये ऊपर डॉलर है. सो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री. सेकेंड, ही देन बाय गुड्स फ्रॉम इजाबेला सप्लायर फॉर 1,000 एंड पेज बाय चेक. उसने गुड्स परचेज किए और चेक एक तरह से कैश दे दिया. सो डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश. अब यहां पे मैं इजाबेल नहीं लिखूंगा नाम, बिकॉज दिस इज कैश परचेज. तो कैश परचेज में तो कैश आता है. अगर कैश ना दिया होता तब हम यहां पे इजाबेल का नाम लिखते. थर्ड, अ सेल इज मेड फॉर 400, अ कस्टमर पेड बाय चेक. तो अगर सेल हुई है तो कैश आया होगा. सो डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, 400. फोर्थ, एल्फी मेक्स अ सेल ऑफ 600 एंड द कस्टमर प्रोमिसेस टू पे इन फ्यूचर. सेल करी है क्रेडिट पे. सो डेबिट क्रेडिट. अब सेल्स तो नीचे आएगा, हमारे पास कैश आना था, कैश तो नहीं आया, तो वी विल राइट रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सेल्स. फिफ्थ, एल्फी देन बाय गुड्स फ्रॉम सप्लायर कैमेन फॉर 500 ऑन क्रेडिट. एल्फी ने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट. तो फिफ्थ डेबिट हो जाएगा. अब गुड्स परचेज किया तो परचेज डेबिट होते हैं, क्रेडिट. अब यहां पे तुम चाहो तो पेबल लिख के ब्रैकेट में कैमेन का नाम भी लिख सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली यहां पे क्रेडिट में कैमेन लिख सकते हो. इट्स योर कॉल. यू कैन राइट कैमेन और पेबल्स और ब्रैकेट में कैमेन. इट्स योर विश. तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मैटर. एल्फी पेज टेलीफोन बिल ऑफ 150 बाय चेक. तो हमारा कैश गया है, सो क्रेडिट कर देंगे कैश, डेबिट टेलीफोन एक्सपेंस 150. अ क्रेडिट कस्टमर पेज द बैलेंस ऑन हर अकाउंट. अब क्रेडिट कस्टमर ने जो भी, अब क्रेडिट कस्टमर पहले हम देखते हैं कौन सा था. सो ऊपर से अगर मैं देखूं, क्रेडिट कस्टमर मतलब हमने जो क्रेडिट सेल्स करी थी, तो क्रेडिट सेल्स पहली एंट्री में कोई क्रेडिट सेल नहीं है, दूसरी में कोई नहीं है, तीसरी में कैश सेल है, चौथी में क्रेडिट सेल थी, पांचवी में परचेज है, इसमें टेलीफोन है. दैट मीन्स ये वाली एंट्री के हमें अब पैसे आ गए. तो पैसे आएंगे तो डेबिट कैश और क्रेडिट. कहां से पैसे आए हैं? रिसीवेबल से. डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल्स अमाउंट 600, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सारे पैसे आ गए. तो जो पैसे हमने क्रेडिट सेल्स पे हमें आने थे वो अमाउंट वी हैव रिसीव नाउ. सो सेवंथ को ये जर्नल एंट्री हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर दी जर्नल एंट्रीज. अभी आगे भी है वो, दैट इज योर होमवर्क. तुम करके मुझे बताना और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटर्न्स. अब रिटर्न्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज डिस्काउंट्स. अब डिस्काउंट्स में तुम्हें पहले एक बार एग्जांपल से बताता हूं डिस्काउंट्स क्या होते हैं. सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट. एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक होते हैं कैश डिस्काउंट. इंडिया में वी कॉल इट कैश डिस्काउंट, लेकिन ACCA में वी कॉल इट सेटलमेंट डिस्काउंट. और इसका जो ट्रीटमेंट, अगर जो भी स्टूडेंट 11th जिसने पढ़ी हुई है इंडिया से CBSE से, तो वो ध्यान दे, क्योंकि यहां पे इस कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है एज कंपेयर टू इंडियन अकाउंट्स. ACCA में इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, लॉजिक रिमेन्स द सेम बट एंट्री डिफरेंट होती है. सो ट्रेड डिस्काउंट मीन्स, इसको सिंपल हम बोलते हैं बल्क डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स बल्क डिस्काउंट, कि अगर हमने बल्क में कोई सामान परचेज किया, अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लूंगा तो वो पूरे 20 रुपीज़ की मिलेगी या 25 की मिलेगी, लेकिन अगर मैं उनको बोलूंगा 20 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे तो हो सकता है वो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे.
दैट डिस्काउंट व्हेन आई बाय गुड्स इन बल्क इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हेन समथिंग इज बॉट इन सो व्हेन एवर देर इज अ ट्रेड डिस्काउंट सो जो भी हमारी जर्नल एंट्री होगी उसमें वी विल नॉट शो ट्रेड डिस्काउंट इन बुक्स. हम बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते एंड वी विल राइट द वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. के हम जो वैल्यू लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे. एग्जाम्पल देखो, अब मैंने जो गुड्स थे, गुड्स आर वर्थ $1,000 और मुझे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं टी डी, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट. मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%, तो $1,000 10% कितना होता है 900 रुपी 100 सॉरी. तो जो नेट वैल्यू मेरी आई 1,000 माइनस 100 इज 900, सो नेट अमाउंट कितना हुआ 900. 1,000 में से 10% मुझे डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन्स 100 का, सो नेट अमाउंट इज 900. सो अगर मैं बात करूं सेल की, अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल के केस में मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? सेल के केस में कैश आता है, सो डेबिट कैश क्रेडिट सेल, और सीधा सीधा अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे 900. हम 1000 नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट राइट 1000. ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं शो नहीं होता, वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आती है वो लिखी जाती है, चाहे सेल्स हो चाहे परचेज. अब अगर परचेज की बात मैं करूं, तो अगर हम परचेज करते तो एंट्री क्या होती है? डेबिट परचेज क्रेडिट कैश, और अमाउंट यहां पे भी आ जाएगा 900. सिंपल सी बात, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी शो नहीं होता और जो हम वैल्यू या अमाउंट लिखते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं. टेक वन मिनट, इसको अच्छे से पढ़ लो, तब तक मैं पानी पी लूं एंड देन वी विल स्टार्ट विद कैश डिस्काउंट. चलो गाइस, सो ये हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट. अब मैं इसको रब कर रहा हूं. अब ध्यान से सुनना गाइस, कैश डिस्काउंट. सो इसकी मैं एक स्टोरी से बताता हूं. अब चाहे सेल हो चाहे परचेज, डज नॉट मैटर, स्टोरी रिमेन्स द सेम. एक बंदे के लिए सेल होगी, दूसरे के परचेज. तो लेट्स टेक स्टोरी ऑफ अ सेल. सो ये मैं हूं, ठीक है. पहले मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट बताता हूं होता क्या. सॉरी मैं बताना भूल गया. तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ बल्क में परचेज करता हूँ और मुझे डिस्काउंट मिलता है. कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो भी बिजनेसेस होते हैं वो नॉर्मली क्रेडिट पे काम करते हैं, कि वो क्रेडिट पे सामान बाय करेंगे. बिजनेसमैन क्रेडिट पे सामान बाय करेगा, मैन्युफैक्चर करके इसको सेल कर देगा, जब वहां से पैसे आएंगे तब ये इसको पे करता है. तो ऐसे बिजनेस का एक्चुअली में सर्कल चलता है. कैश बिजनेसेस बहुत कम होते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे जैसे ये एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, सीएस, एसीसीएस, तो इन सब का कैश का चलता है काम. नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनका क्रेडिट पे काम चलता है. तो होता क्या है, कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर सोचो तुमने कोई चीज़ बल्क में परचेज की, यू हैव परचेज समथिंग इन बल्क, ठीक है,
और तुम्हें एक ऑफर दिया गया, जैसे इस बिजनेस में तुम गए टू बाय सम गुड्स, ये गुड्स तुमने बाय करने थे, ये अलग से तुम्हारा सामान रखा हुआ है जो तुम्हें बाय करना था। अब इस पर्सन ने, जो शॉप का ओनर है, उसको तुमने कहा ठीक है कि मैं ये सामान लेके जा रहा हूं, एंड आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे यू दी वैल्यू, 3 महीने बाद मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है भैया ले जा। लेकिन इस पर्सन ने एक ऑफर किया कि इफ यू पे मी कैश राइट नाउ देन आई विल अलाउ अ डिस्काउंट, कि अगर ऑन दी स्पॉट अगर तुम मुझसे कुछ भी कैश परचेज करोगे तो मैं तुम्हें एक डिस्काउंट दे दूंगा, जो भी 5%, 10%, कोई भी। कि जब इसको पता है कि 3 महीने बाद पैसे आने हैं, और अगर वो बंदा अभी पैसे दे सकता है तो ठीक है थोड़ा सा उसको लालच दे दो, वरना तो वो 3 महीने बाद दे ही देगा। तो उसको थोड़ा सा लालच दे दो कि यार चल ठीक है मैं 5% तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, तू ये कैश मुझे अभी पे कर दे। जो कैश पेमेंट के लिए, ऑन दी स्पॉट कैश पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, सो वेन एवर अ ट्रांजेक्शन हैपन्स और उस ट्रांजेक्शन के लिए हम कोई भी कैश पे करते हैं ऑन द स्पॉट, सो दैट पेमेंट दैट उस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, सॉरी, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब यहां पे एसीसी में हमारा केस क्या होता है, ध्यान से सुनना। सो देखो, ये हो तुमने गुड्स सेल करे इस पर्सन को, यू सोल्ड गुड्स टू दिस पर्सन, ठीक है, लेट से फॉर $1,000। तुमने इसको बोला कि मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा अगर तुम ऑन द स्पॉट कैश परचेज करोगे, अगर तू मेरे को कैश अभी अभी दे देगा तो मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दूंगा। अब यहां पे आता है लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, दिस पर्सन विल टेल यू कि क्या वो इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहता है या नहीं। अब नॉर्मली क्या होता है कि ना, जैसे 3 महीने की बात है कि 3 महीने बाद पैसे देने हैं, कई बार तुम एक पर्सन को बोलते हो कि यार तू मुझे अगर 10 दिन के अंदर, विदिन 10 डेज तू मेरे को पैसे दे देगा तभी मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, कोई बात नहीं, चल तू अपना ही आदमी है ना, विदिन 10 डेज भी अगर तू मुझे अमाउंट दे देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, जरूरी नहीं है आज की आज, 5-6 दिन में अगर तू पैसे दे देगा तब भी डिस्काउंट मिल जाएगा। उस पर्सन को तुमने ये बात बोली कि विद इन 5 डेज इफ यू पे मी $1,000 तो 1,000 पे मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दूंगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। फर्स्ट ऑप्शन इज टू अवेल द ऑफर। फर्स्ट ऑप्शन इज कि या तो अभी ऑफर अवेल कर ले कि हाँ ठीक है मैं मानता हूं मैं तेरे को 10 दिन में पैसे दे दूंगा। बाहर एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, तो दैट इज अवेल दी ऑफर, कि उसने बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं ऑप्शन अवेल कर लूंगा। सेकेंड ऑप्शन नॉट अवेल्ड दी ऑफर फॉर दी टाइम बींग, कि ऑप्शन वन था कि ऑफर अभी अवेल करे, ऑप्शन टू है कि ऑफर अभी उसने अवेल नहीं करा, उसने बोला नहीं मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं 10 दिन में पैसे दे दूंगा, हाँ अगर मैंने बात हो सकता है मैं 10 दिन में दे दूं, बट गारंटी नहीं कर सकता, तो ठीक है मैं एक काम करूंगा अगर मैंने 10 दिन में पैसे दे दिए तो डिस्काउंट दे दियो, नहीं दिए तो डिस्काउंट मत दियो। हालांकि ऊपर और नीचे में फर्क कुछ नहीं है, लेकिन हम कौन है, हु आर वी, वी आर सेलर, हमें अपनी बुक्स में सेल की एंट्री करनी है। तो अगर उस पर्सन ने ऑप्शन नंबर वन चूज किया, ऑप्शन नंबर वन इज कि उसने बोला कि मैं ऑफर अवेल कर रहा हूं, तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी, हम दिखाएंगे जो हमने गुड्स बेचे हैं, लिस्ट प्राइस था उसका $1,000 माइनस हमने डिस्काउंट उसको दे दिया 100 रुपीज का, तो नेट अमाउंट जो उससे आना है वो कितना आना है, 900। हम अपनी बुक्स में नेट अमाउंट लिख लेंगे कि उससे 900 आना है, क्योंकि उसने मैं पहले ही बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तेरे को पे कर दूंगा,
ही एक्सेप्टेड द ऑफर कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा, हम ट्रस्ट पे चल रहे हैं। तो हम बुक्स में क्या लिखेंगे, उसको जो बिल बना के देंगे उस बिल में अमाउंट जो उसे लेना होगा वो कितना लिखेंगे, 900। यहां तक समझ आया गाइस? अब आगे इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पेड विद इन टाइम एंड पेड लेटर। पेड विद इन टाइम, पेड लेटर, कि अब उसने प्रॉमिस किया था मैं दे दूंगा लेकिन उसने टाइम पे नहीं दिया, पेड लेटर, और या फिर उसने टाइम पे दे दिया। मैं एक सेकेंड इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ बिकॉज इसकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी ना अलग हैं। ठीक है, सो पेड विद इन टाइम, पेड लेटर। अब ये मैंने तुम्हें एक सिचुएशन बता दी, दिस इज द सिचुएशन कि हमने उसको जब गुड्स बेचे थे उसने कहा था, हमने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है कि उसने कहा था कि मैं डिस्काउंट ले लूंगा, तो हमने जो उसको बिल बना के भेजा वो कितने का भेजा, 900 का, और जब उसको बिल तो हमने दे दिया तो उसने 10 दिन के अंदर हमें पेमेंट कर दी, फर्स्ट केस। और सेकंड केस, उसने हमें पेमेंट या नॉट पेड विद इन टाइम, नॉट पेड विद इन टाइम। ठीक है, तो हमारे केस में अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, इन सिचुएशंस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से, बहुत ध्यान से। इस केस में जो मैं सेल कर रहा हूं, मैं सेल कितने की कर रहा हूं, 900 की, बट दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, तो ये बुक्स में शो होता है, इसकी एंट्री यू हैव टू लर्न। देखो, हमने बोला है दिस इज, अभी हमारे को पैसे तो आए नहीं है इस डेट पे, हमने उसने सिर्फ कंफर्म किया कि मैं डिस्काउंट ले लूंगा, पैसे तो नहीं आए, दैट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट सेल। सो डेबिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल है ना, डेबिट रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल कितने मेरे को पैसे आने हैं, 900। यहां पे मैं दोबारा डेबिट करूंगा डिस्काउंट अलाउड, वी कॉल इट डिस्काउंट अलाउड 100, क्रेडिट मैं करूंगा सेल्स। कैश सेल बुक्स में हम शो करते हैं, कैश सेल इज शोन इन बुक्स। तो जब मैंने उसको कैश सेल करी और उसने कंफर्म कर दिया कि मैं विद इन टाइम पेमेंट कर दूंगा, तो हमने जो जर्नल एंट्री करी दैट इज डेबिट रिसीवेबल्स 900, के रिसीवेबल से 900 आने हैं। डेबिट, याद है मैंने एक रूल बताया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर हम उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं दैट मीन्स हमारा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को भी मैंने साथ ही डेबिट कर दिया, डेबिट डिस्काउंट अलाउड 100, क्रेडिट सेल्स जो मैंने 1000 की करी है। याद रखना दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता तो हम सीधा सीधा 900 की एंट्री कर देते, रिसीवेबल टू सेल्स 900, बट दिस इज सेटलमेंट डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट नहीं है। तो ये हमने कर दी फर्स्ट डेट पे जर्नल एंट्री। अब पहला, उसने विद इन टाइम हमें अगर पेमेंट कर दी तो हमारी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल, तो हमें, हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश 900 आ गया होगा, क्रेडिट रिसीवेबल्स 900, समझ आया, डेबिट हो गया कैश 900, क्रेडिट रिसीवेबल्स 900, के रिसीवेबल से 900 आने थे वो हमें आ गए। आई होप ये एंट्री सबको समझ आ गई हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट, अगर उसने टाइम पे हमें पेमेंट नहीं करी, अगर उसने हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो हम अपनी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो डेबिट, हम उससे कैश कितना लेंगे, फिर कैश तो 1000 लेंगे, क्रेडिट हमने सोचा कितना था बुक्स में, कितना दिखाया हुआ था कि रिसीवेबल से पैसे आने हैं, 900, तो रिसीवेबल से 900 आगे जो एक्सेस अमाउंट आया है उसको आई विल कॉल इट रेवेन्यू 100, के 100 रुपये का एक तरह से मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, अगर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो हमने को 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, चाहे एक दिन बाद पेमेंट करी हो, अगर 14 दिन की जगह 15 दिन में पेमेंट करी हो तब हम उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। बुक्स में तो हमने लिखा हुआ है कि उससे 900 आने हैं, उम्मीद भी 900 की है, तो 900 से ऊपर हमें अमाउंट आया है, दैट्स वाई वी विल राइट डिस्काउंट, सॉरी रेवेन्यू,
तो ये हमारी होगी जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट। गाइस आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि इसमें दो हमारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन वन के हमें जिसने गुड्स परचेज किए हैं उसने बोला कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, हम ट्रस्ट पे जिंदा हैं, तो हमने उसको अलाउ कर दिया डिस्काउंट और हमने बुक्स में दिखाया कि हमें उसे 900 रुपये लेने हैं, डिस्काउंट हमने दे दिया उसको 100 रुपीज़ का और अल्टीमेट जो हमने सेल करी है दैट वॉज 1000। अब अगर उसने टाइम पे हमें पेमेंट कर दी तो ठीक है, 900 रुपये आने थे 900 आ गए। अगर उसने हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो हम तो उससे 1000 रुपये लेंगे क्योंकि उसका टाइम लैप्स हो चुका है। तो कैश में आया 1000 बट हमें रिसीवेबल्स को हमने पहले डेबिट कितना किया था 900 के 900 आने से और बाकी जो बैलेंस होगा वी विल राइट इन रेवेन्यू। ठीक है, सो ये हमारा होता है फर्स्ट केस व्हेन वी हैव अवेल द ऑफर या अदर पर्सन हैज अवेल द ऑफर। सेकंड केस उसने ऑप्शन अवेल ही नहीं किया तो हम सिंपल लिखेंगे लिस्ट प्राइस 1000 और इतने का उसको बिल बना के दे देंगे। उसने बोला है कि मैं अभी कोई ऑफर अवेल नहीं कर रहा, मेरे को तो अब पूरे का बिल बना के दो, तो ठीक है भैया उसको पूरे का बिल बना देते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स 1000 कि हमने तो बुक्स में लिख दिया कि इससे 1000 ही हमें आने हैं। ठीक है, अब इसमें भी आगे फर्दर दो केस, पेड विद इन टाइम एंड द अदर इज पेड या नॉट पेड विद इन टाइम, नॉट पेड विद इन टाइम, पेड विद इन टाइम। अब उसने अभी तक डिस्काउंट अवेल नहीं करा, उसने नहीं बोला कि मैं कोई डिस्काउंट लूंगा, लेकिन वो 14 दिन से पहले हमारे पास आ गया कि ये लो पैसे अरेंज हो गए अब आप मुझे डिस्काउंट दे दो। उसने पहले हमें इंटीमेट नहीं किया था, उसने कहा था बिल पूरा बना दो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें 14 दिन में पैसे दे दूं। अब अगर उसने 14 डेज में हमें पैसे दे दिए, अगर उसने 14 डेज में हमें पैसे दे दिए तो डेबिट हमारे पास कैश कितना आएगा 900 क्योंकि 100 का डिस्काउंट था, तो डेबिट मैं कर दूंगा यहां पे रेवेन्यू 100 क्रेडिट रिसीवेबल। एक चीज याद रखना गाइस, जैसे फर्स्ट एंट्री में याद रखो, यहां जो फर्स्ट एंट्री मैंने लेफ्ट में करी है वहां रिसीवेबल डेबिट कितने से करे 900 से, तो बुक्स में अगर मुझे रिसीवेबल्स खत्म करने हैं कि पैसे आ चुके हैं तो अगर डेबिट मैंने रिसीवेबल्स को 900 से करा है तो क्रेडिट भी रिसीवेबल्स को 900 से ही करना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा या कम क्रेडिट कर दूंगा तो याद है हम जब लेजर बनाएंगे तो लेजर के अंदर रिसीवेबल्स का बैलेंस रह जाएगा कुछ। रिसीवेबल अगर हम डेबिट कर रहे हैं 900 तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रिसीवेबल्स हमने 900 से डेबिट करा है तो उसको 900 से ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए। सेम वे यहाँ पे रिसीवेबल्स को मैंने डेबिट कितनी वैल्यू से किया था 1000, तो क्रेडिट भी मुझे 1000 से ही करना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए, तभी बुक्स में जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो ख़त्म होंगे। तो ये है पेड विद इन टाइम। दूसरा, अगर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, बाद में पेमेंट करी है, तो सिंपल हमें पूरा कैश आया होगा तो डेबिट कैश 1000 क्रेडिट रिसीवेबल 1000। अब तो टाइम पे पेमेंट करी नहीं, उसने बाद में करी है, तो फिर तो पूरे पैसे उससे आने हैं, हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। हो, आई होप गाइज ये पॉइंट सबको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन गो बैक एंड डू चेक दिस अगेन, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना रिवाइंड करके, अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1, 2, 3, 4 बार देखो अच्छे से याद हो जाएगी। ये सिर्फ लॉजिकली हमें एंट्रीज याद करनी है, रट्टा नहीं मारना, क्रैम मत करना, लॉजिक लगाओ दोनों केस का कि अगर वो ऑफर अवेल करता है तो हम पहले ही बिल में डिस्काउंट दे देंगे और अगर वो ऑफर अवेल नहीं करता तो हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। अब अगर उसने ऑफर अवेल किया और टाइम पे पेमेंट कर दिया तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने ऑफर अवेल कर लिया
और टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो हम फिर उससे एक्सेस अमाउंट लेंगे जिसको हम क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू के नाम से। और दूसरा केस, अगर हमने बोला कि उसने ऑफर अवेल ही नहीं किया, दैट मीन्स हमने पूरे का बिल बना दिया, टाइम पे अगर उसने पेमेंट करी तो हमने उसको डिस्काउंट दे देंगे बाद में, अगर नहीं करी उसने टाइम पे पेमेंट तो हम फिर उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। सिंपल, ठीक है गाइस, 1, 2, 3, 4 बार पढ़ना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें जैसे ही मैंने सेल का बताया एग्जैक्टली सेम होता है परचेज का। अभी हम जो बुक्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं इस पर्सन की एज अ सेलर, अब इसकी भी बुक्स बनेंगी तो इसकी बनेंगी एज अ बायर, सो ऑल एंट्रीज विल रिवर्स, सारी एंट्री जो हमारी हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। याद रखना, मैं ये नहीं कराऊंगा, अपने आप कोशिश करो करने की, समझो बुक में दिया हुआ है। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने लिखा कि सर मेरे को हमें समझ नहीं आया, या हमें परचेज वाला भी करा दो, मैं उसका भी केस बना के दे दूंगा। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टिव एज वेल। लाइफ में एवरीवेयर यू विल नॉट फाइंड टीचर्स, हर जगह हमें हर चीज़ सिखाई नहीं जाएगी। बहुत टाइम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे यू विल हैव टू टैकल दी सिचुएशन ऑन योर ओन, कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ, मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया है, एक तरीका बता दिया, हिंट दे दिया है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन परचेज, और उसमें एंट्री उल्टी हो जाती है वो हमें पता है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम द बुक एज वेल, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है गाइस। यू हैव टू डू दैट एंट्रीज, कोई डाउट हो आई एम हेयर, आई एम सिटिंग हेयर, मैं तुम्हारे को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, नॉट एन इशू। बट खुद ट्राई करो, उससे क्या होगा, जब तुम खुद चीज़ करोगे ना वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा याद रहेगी, और उस चीज़ को जब तुम खुद करोगे यू विल बी मोटिवेटेड, एंड आगे भी जो बहुत सारी चीज़ें आएंगी तुम कोशिश करोगे कि मैं खुद उसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश करता हूँ। सर ने एक बार करा दिया, नाउ आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक बाय माई ओन वे, वही चीज़ हमें यहाँ पे स्टडीज़ में करनी है, ठीक है। अच्छा गाइस, एक छोटी सी चीज़ और, मैंने तुम्हारे को जब लेजर कराया था इससे पिछला चैप्टर, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि लेजर बनाते हुए रूल नंबर 2 जो मैंने बताया था, रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि नाम वो आएगा जो जो लेजर हम बना रहे हैं उसके ऑपोजिट जो नाम है वो आएगा इन द ऑपोजिट साइड, है ना। दूसरा मैंने बताया था, तो दूसरा रूल जो है उसमें छोटा सा चेंज है, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत माइनर फर्क पड़ता है, बट स्टिल बताना है। सो दूसरा रूल हमारा जो है दैट विल बी चेंज, ये आएगा अमाउंट वो आएगा जो लेजर हम बना रहे हैं उसके आगे लिखा हुआ है। अमाउंट वो आएगा जो लेजर हम बना रहे हैं उसके आगे लिखा हुआ है, जैसे डेबिट कैश, क्रेडिट पेबल या रिसीवेबल 100 100। तो लेजर में हम कैश का लेजर अगर हम बना रहे हैं तो कैश के ऑपोजिट लिखा हुआ रिसीवेबल, क्रेडिट साइड पे तो इसके ऑपोजिट यानी डेबिट साइड पे हम लिख देंगे रिसीवेबल, और अमाउंट जो कैश के आगे है वो वाला अमाउंट आएगा। मैंने आई थिंक उस टाइम पे रिसीवेबल के आगे जो वो अमाउंट बता दिया था, नहीं, जो अमाउंट कैश के आगे है वो वाला अमाउंट आएगा, ठीक है गाइस। सो ये हमारा है फिफ्थ चैप्टर में हमने अब ट्रेड डिस्काउंट कर लिया, तो जैसे एक फटाफट से टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स कर लेते हैं। ऑलिवर सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 टू सैम ऑन कैश बेसिस एंड अलाउड हर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कैश सेल है एक तरह से, तो डेबिट क्रेडिट कैश आया होगा सेल, और अमाउंट 1000 माइनस 10% दैट इज 100, सो 900 की हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और दूसरे की बुक्स में डेबिट क्रेडिट, उसने परचेज करें, सो डेबिट परचेज, क्रेडिट कैश 900 900, सिंपल, ठीक है।
सेटलमेंट डिस्काउंट का मैंने केस बता दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने तुम्हें क्रक्स में इसके चार्ट से बता दिया। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है सेलर प्रोस्पेक्टिव, देन ये एंट्रीज, देन वो जो मैंने बताया था रेवेन्यू वाला, वो सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा वही चीज़ें हैं, तुम पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। फिर परचेज प्रोस्पेक्टिव है, ये तुम्हारा होमवर्क है जो तुम्हें खुद करना है, ये भी तुम्हें करना है होमवर्क, याद रखना है, ये जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना। अब आता है हमारा पॉइंट सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स का भी चार्ट बनाते हैं, है ना। तो सेल्स टैक्स क्या होता है, तो देखो जब भी हम मान लो दिस इज अस, ये है हम अगर कोई भी गुड किसी को सेल करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम उसको गुड्स बेच रहे हैं 100 का, तो 100 का गुड्स जब हम उसको बेचेंगे उस पर हमें कुछ टैक्स लगा के वो गुड्स बेचने पड़ेंगे, ताकि कस्टमर हमें जो अमाउंट दे वो 100 प्लस टैक्स अमाउंट हमें देगा। जो भी हमारा कस्टमर होगा उससे हम 100 रुपीज़ भी लेंगे सेल का, प्लस कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लेंगे। ठीक है, दिस टैक्स इज, दिस इज जो हमने करी है, दिस इज सेल्स, सो दिस इज कॉल्ड सेल्स टैक्स, कि सेल्स पे ये टैक्स हम चार्ज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा, जब सेम वे अगर हमने किसी से ये गुड्स परचेज करे होंगे, हमने स्टॉक परचेज भी किया होगा ना, तो जब स्टॉक परचेज किया होगा, तो फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज का हमने स्टॉक परचेज किया था, ठीक है, तो 80 पे कुछ टैक्स होगा, तो हमने ये पेमेंट 80 प्लस टैक्स अपने सप्लायर को दी होगी, है ना, सप्लायर को हमने 80 रुपीज प्लस टैक्स दिया होगा, और कस्टमर से हमने 100 प्लस टैक्स चार्ज किया होगा। अब जो ये 80 है ये हमारा एक्सपेंस है, 100 हमारी इनकम है, 80 क्या है हमारा एक्सपेंस, 100 है हमारी इनकम। अब पॉइंट आता है इस टैक्स का, ये ध्यान से सुनना, जब भी हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं, तो जो ये टैक्स पार्ट है, दिस टैक्स पार्ट, ये हमारे पास आया हुआ है, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे लिया है, तो हमें वी हैव टू पे इट टू दी गवर्नमेंट। जो हमने कस्टमर से टैक्स लिया है एक्स्ट्रा, वो हमारी इनकम नहीं है, हमारी जेब में नहीं जाएगा, वो हम अभी लेके बाद में गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, दैट इज वी विल पे इट टू दी गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सेल करी थी, गवर्नमेंट ने बोला हुआ कि सेल पे कुछ टैक्स लगता है। ऐसे ही जब मैंने गुड्स परचेज करे थे, तो परचेज के टाइम पे भी मैंने एक टैक्स पे किया था, अब मैंने अपनी जेब से टैक्स पे किया था, गुड्स तो मुझे मिले 80 के, लेकिन मैंने ज़्यादा अमाउंट पे किया है, एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज टैक्स। सो ये वाला अमाउंट है विच इज आई हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, हालांकि मैंने उस पर्सन को पे किया है, बट वो उस बंदे ने तो गवर्नमेंट को जमा ही कराना ना, गया तो मेरी जेब से हुआ है। तो जब हम सेल्स करते हैं उस पे जो टैक्स हमें आता है उसको हम एक तरह से बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब कि ये टैक्स हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। और जो हमने परचेज करते टाइम टैक्स पे किया था उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, मतलब ये टैक्स ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को जमा करा चुके हैं। आई थिंक ये केस सबको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा होता है एक सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को कितना अमाउंट देंगे, सिंपल फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
जो भी आउटपुट टैक्स मैंने गवर्नमेंट को जमा कराना था माइनस जितना टैक्स मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ, दैट इज इनपुट टैक्स। सो ये हमारा होता है नेट पेबल टू दी गवर्नमेंट। अब क्या करना है हमें, इसकी जर्नल एंट्रीज, बस 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 जर्नल एंट्रीज और टैक्स की कैलकुलेशन, वो भी बहुत इजी है, वो मैं बताऊंगा। तो टेक 1 मिनट, अच्छे से इस चार्ट को देखो, समझो और सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर कर लो। डाउट है 30-40 सेकेंड्स, 1-2 मिनट रिवाइंड करके दोबारा से इसको पढ़ लो, समझ आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं और पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया। सो गाइस, सो ये था हमारा सेल्स टैक्स का स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम करते हैं अपनी इसकी कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो एक सिंपल सी चीज याद रखना, अगर 100 रुपये मेरा अमाउंट है, जैसे कोई चीज मैंने 100 रुपये की बेचनी है, तो 100 रुपये पे अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से 20% टैक्स है, तो 100 रुपीज़ का 20% कितना होगा, 20 रुपीज़। सो जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी 120, जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी 120, है ना। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं एक बार चेक कर लूँ। एक्चुअली इनका नेट और ग्रॉस थोड़ा अलग होता है। ग्रॉस, यस, हमें नहीं देखना टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो 100 रुपये की चीज थी, मैंने 20 रुपये का टैक्स लगा के टोटल 120 की चीज बेची, है ना। सो इस चीज को मैं बोलूंगा नेट सेल्स प्राइस और एक्सक्लूसिव टैक्स। नेट सेल्स प्राइस और एक्सक्लूसिव टैक्स मतलब जो ये 100 रुपीज वैल्यू है इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, इस वैल्यू में टैक्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो दैट इज नेट सेल्स प्राइस और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब अगर मैंने इसमें 20 रुपीज ऐड करे तो ये मेरा बन गया 120। तो 120 विल बी कॉल्ड ग्रॉस सेल वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं टैक्स इंक्लूसिव या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब इस 20 रुपीज, इस 120 में हम टैक्स इंक्लूड करके कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नेट 100 रुपीज की वैल्यू थी, 100 रुपीज के अंदर हमारा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स था, तो इसमें हमने 20% ऐड करके 120 की चीज बेची, तो 100 जो वैल्यू है इट इज कॉल्ड नेट वैल्यू और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। और जो 120 वैल्यू है उसको हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। अब सोचो हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं पता कितना है, हमें ये नहीं पता कितना है, और लेट से फर्स्ट केस हमें ये भी नहीं पता कितना है, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ग्रॉस सेल्स वैल्यू इज 120 या टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू इज 120।
ध्यान से, ग्रॉस सेल वैल्यू इज 120 या टैक्स इंक्लूसिव 120 और 20% टैक्स रेट है, तो बताओ सेल्स टैक्स कितना होगा, व्हाट विल बी द सेल्स टैक्स। तो ध्यान से सुनना, अब फॉर्मूलेज में नीचे लिख देता हूं। तो फॉर्मूलेज, इफ टैक्स, पहले एक्सक्लूसिव वाला, इफ टैक्स एक्सक्लूसिव इज गिवन, टैक्स एक्सक्लूसिव और नेट सेल वैल्यू इज गिवन, अगर हमारे को टैक्स एक्सक्लूसिव वैल्यू दी हुई है, नेट सेल वैल्यू दी हुई है, तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो टैक्स का फॉर्मूला होगा हमारा, ध्यान से सुनना, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। ध्यान से ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, तो हमारा निकल जाएगा टैक्स। और अगर हमारे को इफ टैक्स इंक्लूसिव या ग्रॉस वैल्यू इज गिवन, इफ टैक्स इंक्लूसिव या ग्रॉस वैल्यू इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होगी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये याद रखना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे तो हमारा टैक्स आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब सेम एग्जांपल मैं ऊपर लेता हूं, अगर मेरे को टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस गिवन है, मतलब मुझे 100 रुपीज गिवन है, बस मुझे सिर्फ 100 रुपीज गिवन है और मुझे रेट पता है, मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पता, आई डोंट नो दीज, मुझे सिर्फ 100 पता है और 20% पता है टैक्स है, तो टैक्स कितना होगा, 100 इंटू 20 अपॉन 100, दिस इज 20 रुपीज। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर मुझे टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू पता है, मतलब मुझे ये वैल्यू दी हुई है 120 और मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पता और 20% टैक्स रेट दिया हुआ है, तो सिंपल, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 20, सो दिस इज, ये भी 120 हो जाएगा, 120 कैंसिल, तो 20, दिस विल बी योर टैक्स, ये जो 20 आया है ये आया हमारा टैक्स। तो हम इंक्लूसिव से भी टैक्स निकाल सकते हैं और एक्सक्लूसिव से भी टैक्स निकाल सकते हैं, समझ आया गाइस। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट जो हमारा होगा वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब थोड़े से कैलकुलेशन की हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो करके फिर मैं इसकी जर्नल एंट्री बता दूंगा और ये चैप्टर भी ओवर। ठीक है, सो अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, हमने अपने लॉजिक्स लगाए हैं और हमारे लॉजिक्स अच्छे हैं, हमें याद रहेंगे। सो ऑरलैंडो सेल्स द फॉलोइंग गुड्स टू ब्रूनो एट टैक्स इंक्लूसिव प्राइस ऑफ 470, टू कॉस्मो एट टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ 700। हाउ मच सेल्स टैक्स इज ऑरलैंडो कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स अथॉरिटीज व्हेन टैक्स रेट इज 17.5। तो जो फर्स्ट केस है हमारा 470, दिस इज टैक्स इंक्लूसिव, तो अगर इंक्लूसिव के केस में मुझे टैक्स निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अमाउंट है 470 इनटू रेट 17.5 अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये हमारी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, 470 इनटू 17.5 डिवाइड बाय 117.5, सो दिस इज 70। सो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है 70, तो जो मेरा आउटपुट टैक्स है दैट इज फर्स्ट केस में 70, दूसरे केस में वैल्यू थी 700 इनटू रेट अपॉन, दिस इज टैक्स एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है तो रेट अपॉन 100, तो बस इसको सीधा कर लेते हैं हम, 17.5 इनटू 7, 17.5 into 7, this is
122.5. तो टोटल सेल्स टैक्स उसने कितना कलेक्ट किया? सो 122.5 प्लस 70, सो आर आंसर इज 192.5 टोटल सेल्स टैक्स उसने इतना कलेक्ट करा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर वन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो 70, 120, 192.5, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा है, ये कर लेना से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे चलो मैं ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो मुश्किल नहीं है बट करा देता हूँ। लोरेंजो परचेजेस गुड्स फॉर 174,240 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो दिस प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एंड सेल गुड्स फॉर 230,400 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, तो दोनों वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं। तो जब हम परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जब सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स हमारा कितना होगा? 174,240 इंटू बोथ वैल्यू इज इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूसिव, रेट इज 20%, तो 20/120, और इसका भी आ जाएगा 230,400 इंटू 20/120, सो ये आ जाएगा हमारा 174,240 इंटू 20/120, सो दिस इज 29,040, और वो हो जाएगा 230,400 इंटू 20/120, सो दिस इज 38,400। तो आउटपुट टैक्स है 38,400, इनपुट टैक्स है 29,040, सो पेबल टू गवर्नमेंट कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, सो दिस इज 9,360, दिस इज योर आंसर, सो ए विल बी योर आंसर, ठीक है गाइस। सो ये हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज में बताता हूं फटाफट से। अगर हम परचेज करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर हम सेल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? सो अगर हम परचेज करते हैं तो टैक्स की हमारी एंट्री क्या होगी? सो डेबिट सेल्स टैक्स क्रेडिट या तो कैश होगा या पेबल, मतलब अगर हमने कैश सेल करी है तो कैश परचेज करी है तो कैश आ जाएगा, अदरवाइज पेबल। तो यहां आ जाएगी हमारी नेट वैल्यू, इसके आगे आ जाएगा हमारा टैक्स, और यहां आ जाएगा टोटल, मतलब कि नेट वैल्यू इतनी थी उस पर इतना टैक्स हमने चार्ज किया, टोटल अमाउंट हमने कस्टमर को या हमने सप्लायर को इतना देना है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। और अगर हम सेल करते हैं तो एंट्री विल बी डेबिट, हमारे पास कैश आएगा, या अगर क्रेडिट सेल करी है तो रिसीवेबल। क्रेडिट पहले तो सेल करूंगा, और क्रेडिट सेल्स टैक्स, यहां आ जाएगी नेट वैल्यू, यहां आ जाएगा टैक्स, और यहां आ जाएगा टोटल। सेम वही चीज कि नेट सेल्स मेरी इतनी थी, इतना मैंने टैक्स चार्ज कर दिया, और टोटल अमाउंट कस्टमर से इतना आया है या इतना आना है। ये होता है हमारा परचेज और सेल की एंट्री विद टैक्स। देखो, पढ़ो, समझो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल सी एंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, इफ, अब इसमें दो केस और आते हैं। इफ आउटपुट टैक्स इज मोर देन इनपुट टैक्स, मतलब जो आउटपुट टैक्स हमारा है, गवर्नमेंट को जो पैसे जमा कराने हैं वो ज्यादा हैं, और जो हमने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है वो कम है, तो जो भी हमारा बैलेंस होगा, द
दैट मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, उसकी एंट्री हो जाएगी। अब हमें गवर्नमेंट को पैसे देने हैं तो कैश जा रहा है, सो डेबिट सेल्स टैक्स क्रेडिट कैश, कि जो भी मैंने पेमेंट करनी थी बैलेंस की वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है। और इसका रिवर्स इफ आउटपुट टैक्स इज लेस देन इनपुट टैक्स, कि मेरा आउटपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स से कम है, मतलब कि मैंने परचेज के टाइम पे ज्यादा पैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं और एक्चुअली में कम देने हैं, सो एक तरह से वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी। फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है तो वैल्यू मेरी नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे दिए हुए हैं तो मैं वो गवर्नमेंट से अमाउंट ले लूंगा, सो जो बैलेंस मेरा आएगा नेगेटिव में वो मैं गवर्नमेंट से पैसे वापस ले लूंगा कि मैंने आपको ज्यादा दे दिए थे। सो डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स टैक्स, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स टैक्स, ये होगी मेरी जर्नल एंट्रीज। ये गाइस यहां पॉज कर लो और इसको देख लो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, सेम यही है, एंट्रीज हैं, सब कुछ यही है। ये देखो सेम वही चीज है, कुछ भी आज सच ऐसा नहीं है जो हमने नहीं करा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि दीज आर ऑल सेल्स, दीज आर ऑल परचेज, तो हर एक में तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करना है, हर एक का टैक्स कैलकुलेट करोगे, इन सब का टोटल करोगे, और अब देखोगे टोटल परचेज के टाइम कितना टैक्स दिया था, टोटल सेल के टाइम कितना टैक्स था, तो आउटपुट इनपुट करके जो भी आंसर आएगा वो तुम नीचे देख लोगे, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द बैलेंस ऑन सेल्स टैक्स अकाउंट ऑन 31st मार्च, कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पे मैं एक तरीका बताता हूं। अब देखो याद रखना, आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है कि हमने कस्टमर से पैसे लिए हुए हैं, तो मतलब हमने ये पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, तो आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर अस और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। याद रखना आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी फॉर अस एंड उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। और जो इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है कि मैंने परचेज के टाइम पे ऑलरेडी पैसे दे दिए गवर्नमेंट को एडवांस में, सो दैट एडवांस विल बी एसेट फॉर मी, कि अभी मैंने देने नहीं थे मैंने फिर भी एडवांस दे दिए गवर्नमेंट को अपनी जेब से, सो दैट इज अ एसेट और उसका बैलेंस होता है डेबिट। अब केस नंबर ए इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट, कि अगर आउटपुट तुम्हारी इनपुट से ज्यादा है, दैट मीन्स क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है, तो तुम्हारा बैलेंस क्या होगा क्रेडिट, कि अभी भी क्रेडिट में कुछ पैसे पड़े हैं, कुछ लायबिलिटी और है जो तुम्हें देनी है। और इफ आउटपुट टैक्स इज लेस देन इनपुट टैक्स, मतलब कि आउटपुट टैक्स तुम्हारा कम था तो गवर्नमेंट को तुमने ऑलरेडी पैसे ज्यादा दिए हुए हैं, दैट मीन्स एसेट ज्यादा है, दैट मीन्स इसका बैलेंस हो जाएगा डेबिट, ठीक है गाइस। ये शॉर्टकट है, ओवर द टाइम जब तुम करोगे डेबिट क्रेडिट ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इन्होंने ना चैप्टर्स में बीच में ये चीज डाली हुई है, तो धीरे धीरे मैं कराता रहूंगा सारे टॉपिक्स, ठीक है। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग 6, और इसके बाद बस ये बुक्स ये करने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आता, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बस ये क्वेश्चंस कर लेना और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस एंट्रीज है और कुछ नहीं है, होमवर्क कर लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, यही है इस चैप्टर में हमारा। अच्छा गाइस एक और चीज़ विच इज़ आउट ऑफ द लीग, एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे वही यहाँ तक पहुँचेंगे। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, दैट इज़ आई जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट नेम इंस्टाग्राम पेज का, अपने दैट इज anshulmittal.ca, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज,
मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है एंड आई यूज़ टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ विद माई फ़ोन ओनली एंड वो मैं अपने पेज पे अपलोड करता हूँ. सो इफ़ यू गाइज फील गुड तो यू कैन ऑल्सो लाइक दिस इंस्टाग्राम पेज ऑफ माइंड सो दैट मुझे भी अच्छा लगे एंड मुझे भी देख लगे कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं. एंड इफ़ यू ऑल लव मी आई लव यू ऑल. मैं भी सबको बहुत प्यार करता हूँ एंड आई होप तुम सब भी मेरी वीडियोस को बहुत प्यार करते होगे और तुम्हें अच्छा लगता होगा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन लाइक माय इंस्टाग्राम चैनल, इट विल बी गुड फॉर मी. तुम्हारे लिए तो क्या ही होगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मुझे भी एक सपोर्टर्स मिल जाएंगे अपने एंड थोड़ा सा तुम्हें भी ये होगा कि यू विल फाइंड डिफरेंट पिक्चर्स जिसको तुम चाहो तो वॉल पेपर्स बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल, दिस इज द चैप्टर. अगेन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share this channel as much as possible so that maximum students can take benefit of all these free videos. Bye guys, have a good time.